नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की तह तक जाते हैं। पूरी तरह से खबर को लेकर चर्चा की जाती है, विस्तार से जाना जाता है खबर की गहराई तक। और शुरुआत हम कर रखे हैं एक खास खबर से। खबर है उत्तराखंड से। हरीश रावत को सीबीआई के नोटिस का ये मामला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने अस्पताल में उन्हें नोटिस थमा दिया। सीबीआई के नोटिस पर हरीश रावत ने तंज कसा है। सीबीआई को लगता है कि मुझसे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा है। ये हरीश रावत का बयान। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत को भी नोटिस भेजा गया है। दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। ये केस देखिए पुराना है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सीबीआई ने जिस तरह से नोटिस दिया है, ये मामला चर्चाओं में है। शुक्रवार को अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया था हरीश रावत को। सीबीआई ने अब नोटिस दिया है और सीबीआई के नोटिस पर हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि तंज कसते हुए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय अपराधी नहीं। सीबीआई को लगता है कि मुझसे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत को भी नोटिस भेजा गया है। दोनों नेताओं को 7 नवंबर को अपनी आवाज के सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। मेरे बहुत शुभचिंतक हैं कई वर्षों से, तो वो यदि नहीं पहुंचते तो मुझे लगता कि ये कहां रह गए। तो पहुंच गए, अच्छा है। और मैंने वैसे मजाक में उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं कोई फ्रॉडी नहीं कि बड़ा भारी बैंक फ्रॉड कर दिया हो, कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं, कोई मैंने लोकतंत्र की हत्या कहीं कर दी हो। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो और इनके साथ ही हिमाचल के शिमला ब्यूरो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और खबरें अभी तक के इन दोनों पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूं विस्तार से इस खबर पर जानकारी के लिए। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए मामला बहुत पुराना है, 2016 का ये मामला है और सीबीआई ने अब आवाज के सैंपल मांगे हैं। पहले भी ये मामला चर्चाओं में आया था प्रदीप, और एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। चलिए पहले हम राव शफात का रुख करते हैं। राव शफात, एक पुराना मामला है, चर्चाओं में आ गया है, अब इस मामले को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए आरती, सीबीआई का ये नोटिस है और सूत्रों से खबर है कि 7 नवंबर को जो अपने वॉइस के सैंपल हैं वो देने हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, और दिल्ली सीबीआई ने इनको तलब किया है। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्योंकि अस्पताल में उस वक्त भर्ती थे, शुक्रवार का मामला जब सीबीआई की टीम जॉलीग्रांट जो हिमालयन हॉस्पिटल है वहां पर पहुंची थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस दिया गया कि आप अपनी वॉइस के जो सैंपल हैं वो दीजिए, क्योंकि 2016 का मामला है। इस पर थोड़ा सा अगर पिछले दिनों की चर्चा करें तो 2016 में क्योंकि हरीश रावत की सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, और उस वक्त जो सरकार है उसके जो विधायक है उन्होंने बगावत की थी और ये बगावत इतनी गहराई थी कि रावत सरकार उस वक्त की अल्पमत में आ चुकी थी, सरकार गिर चुकी थी, तो इसको लेकर के उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे थे जी। एक हालांकि जो निर्दलीय विधायक हैं अभी खानपुर से, वो उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे, तो ये जो स्टिंग किया गया था, कथित स्टिंग है, इसको लेकर के ही उन तस्वीरों में दिखाई दिया कि हरीश रावत कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो स्टिंग था उसकी तथ्यता क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये तमाम जांच होती है और ये पूरा का पूरा मामला हालांकि हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने सीबीआई के ले गया और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन उन तस्वीरों में दिख रहे जो 2016 का जो स्टिंग था, हरीश रावत नजर तो आ रहे हैं, वो जो आवाज है वो आवाज किसकी है, क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत है उन्हीं की आवाज है, या जिन नामों का वो जिक्र कर रहे हैं क्या वाकई में वो नाम शामिल रहे हैं, तो ये तमाम जो जांच है वो होनी है। और वॉइस सैंपल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उसी स्टिंग प्रकरण में ये नोटिस दिया गया है। हालांकि 15 जुलाई को भी उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया था और एक वक्त मांगा था, लेकिन ये वक्त शायद पूरा हो चुका होगा और एक बार फिर से सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ये नोटिस दिया है। लेकिन इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तंज कसते हैं, थोड़ा नाराज भी नजर आते हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में अमूमन दोस्त देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो सीबीआई देखने के लिए आई है और लगता है सीबीआई को कि वो पूरे देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, वो कोई अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं है जी। या उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं की है, तो इस तरह का जवाब हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी दिया और एक एजेंसी को भी दिया जो एएनआई है।
जी, तो इसको लेकर के चर्चाएं हैं अभी इस वक्त उत्तराखंड में कि क्या आने वाले वक्त में हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हरीश रावत एक तरफ तो देखिए। अच्छा देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इस मामले में राव शफात अभी जांच चल रही है, लेकिन इस पूरे स्टिंग को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से होती आई है। एक बार पहले भी उनकी आवाज का सैंपल मांगा गया था। इस पूरे स्टिंग को लेकर हरीश रावत का क्या रुख रहता है अमूमन अगर देखा जाए तो? हरीश रावत ने पहले वक्त मांगा था, क्योंकि ये तो देखिए जांच का मामला है जी, सीबीआई जांच कर रही है और हरीश रावत सहयोग भी करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो हर एक एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछली बार वो नहीं जा पाए थे, कुछ इसी तरह की चर्चा थी, और इस बार भी क्योंकि हल्द्वानी के दौरे पर थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तो वहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकराई थी, उस वक्त उनको हल्द्वानी के अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन वहां से उनको जोलीग्रांट जब वो आ रहे थे वापस देहरादून आ रहे थे छुट्टी होने के बाद, तो एक बार फिर से उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, वो जोलीग्रांट जो हिमालयन अस्पताल है वहां एडमिट थे, तो वहीं पर सीबीआई पहुंची थी। अब क्योंकि सीबीआई का काम जांच करना है, देखिए अब जांच में किस तरह के तथ्य आते हैं और सीबीआई हर एक पहलू को जांचना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष फंस जाए, सीधी बात तो ये है। और वॉइस सैंपल लेने का यही वजह है कि क्या वाकई में उस स्टिंग ऑपरेशन में, जो कथित स्टिंग ऑपरेशन चर्चाओं में रहा, क्या वाकई में हरीश रावत मौजूद थे या फिर उनकी आवाज थी, ये तमाम बहुत सारे जांच के पहलू हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ये मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एक तरफ तो देखिए वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं किसी एक सीट से या फिर हरिद्वार की भी चर्चा है, और दूसरी तरफ वो तैयारी करेंगे अब सीबीआई को अपने जवाब देने की। अच्छा देखिए, हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती है, ऐसे में क्या लगता है अपना वॉइस सैंपल देने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में एक्सीडेंट उनका हुआ है। देखिए आरती, ये तो अभी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उस वक्त जाएंगे या फिर समय लेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए मुश्किलें हैं, और हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके लिए भी मुश्किलें हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। दूसरा जो इसमें शामिल थे स्टिंग जिनके नाम से था, क्योंकि उनको भी बुलाया जा सकता है, मदन सिंह बिस्ट हैं वो भी, उनको भी बुलाया जा सकता है, वो भी उस वक्त विधायक थे। इन नामों की चर्चाएं थी उस वक्त जिस वक्त ये स्टिंग हुआ था 2016 में, तो अब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना किस तरह का जवाब सीबीआई को देते हैं, वक्त मांगते हैं या अपने वॉइस सैंपल के लिए वो जाते हैं सीबीआई के दफ्तर में दिल्ली। जी तो अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा। अच्छा देखिए, लगातार हम ये भी देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और लगातार ईडी का इस्तेमाल को रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल को रहा है, क्या इस केस में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर टारगेट कर सकती है कांग्रेस? पहले से कर रही है आरती देखिए, और इस मुद्दे पर तो खासकर कर रही है विपक्ष, और कांग्रेस का कहना है कि बेवजह इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं जब चुनाव के आसपास का वक्त होता है, तब सीबीआई हो या फिर दूसरी एजेंसियां हो, जब नेताओं के घर में छापे पड़ते हैं। हालांकि देखिए रूटीन वर्क होता है, सत्ता पक्ष की ओर से भी यही कहा जाता है, एजेंसियों की ओर से भी यही कहा जाता है, लेकिन वक्त जो होता है वो मैच नहीं करता है उस वक्त में जिस वक्त में चुनाव होते हैं। तो ऐसा लगता है विपक्ष को या कुछ लोगों को कि इसी वक्त ये कार्रवाई शायद जानबूझ करके की जा रही है, लेकिन देखिए सीबीआई का काम हो या दूसरी जांच एजेंसियों का काम हो, उनका काम रूटीन का काम होता है और वो हमेशा से काम करती रहती हैं, जो भी सच्चाई है, सच है, झूठ है, उसका पता लगाने के लिए, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन क्योंकि चुनाव के वक्त के आसपास जब ये छापे पड़ते हैं या फिर इस तरह की कार्रवाई होती है, तो उस पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाती रही है। अच्छा देखिए, हरीश रावत की हमने बात की, इधर एक और नाम भी चर्चाओं में है, आपने कहा कि कैबिनेट मंत्री तक का नाम आ रहा है, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि सीबीआई उनसे भी वॉइस सैंपल लेने वाली है, उनका क्या रुख इस पूरे केस पर? देखिए हरक सिंह रावत से तो अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन उस वक्त हरक सिंह रावत, क्योंकि बगावत जब हुई थी तो हरक सिंह रावत ने पार्टी छोड़ दी थी और उसी वक्त तत्कालीन जो सरकार है हरीश रावत सरकार 2016 में गिर गई थी। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप थे वो लगे थे स्टिंग में, और स्टिंग में क्योंकि एक जो चर्चा थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल में हरक सिंह रावत का भी नाम लिया जा रहा था, उप मुख्यमंत्री हरीश रावत ये नाम ले रहे थे और जो स्टिंग करने वाले थे वो भी चर्चा जो है उनको भी सीबीआई बुला सकती है। लेकिन अब क्योंकि हरक सिंह रावत का नाम लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था, या आवाज वो हरीश रावत की थी या नहीं थी, उस स्टिंग की सच्चाई क्या थी, उस वीडियो की लेंथ क्या थी, उसकी टाइमिंग क्या थी, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सीबीआई इसी मुद्दे की, इसी बात की जांच करने के लिए चाहती है कि इसकी जांच हो।
चलिए बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने इस मुद्दे को लेकर विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की नोटिस के बाद क्या दोनों नेता अपने वॉयस का सैंपल देने के लिए पहुंचते हैं। अब एक बड़ी खबर है हिमाचल से, वॉटर सेस एक बड़ा मुद्दा है और हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसको लेकर तकरार। हिमाचल के वॉटर सेस पर केंद्र की अड़चन, वॉटर सेस पर केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का सभी राज्यों को सर्कुलर, हिमाचल समेत सभी राज्यों को जारी किया गया सर्कुलर, वाटर सेस लेना तुरंत बंद करें सरकारें। तो हिमाचल की वाटर सेस पर केंद्र ने अब अड़ंगा लगा दिया है। देखना यह होगा इस पर आखिर हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कहना क्या होगा, क्योंकि वाटर सेस एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ना केवल ये बड़ा मुद्दा हिमाचल हरियाणा और पंजाब के बीच बन गया है, बल्कि अब केंद्र ने अड़ंगा लगा दिया है, तमाम राज्यों को ये सर्कुलर भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, वाटर सेस को लेकर पहले पंजाब और हरियाणा ने जवाब दिया था हिमाचल सरकार को, अब केंद्र डंगा अड़ा रहा है, क्या रुख रखेगा सरकार का? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक की तरफ से ये पत्र हालांकि सभी राज्यों का गया है और ये सर्कुलर जारी हुआ है और उसमें सलाह दी गई है कि आप किसी भी तरह का वाटर सेस नहीं ले सकते हैं, ये असंवैधानिक है और इस पत्र में जिक्र इसका किया गया है और ये भी कहा गया है कि राज्य किसी भी जो उत्पादन होता है उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है और खासतौर पर अगर बिजली की बात करें जिसका उपभोग दूसरे राज्य भी करते हैं तो वहां पर इसका जो टैक्स है या फिर जो विकास टैक्स के तौर पर, विकास शुल्क के तौर पर भी कई राज्य इस तरह के टैक्स लेते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और इस बार जब नई सरकार आई तो उसी तरफ से वाटर सेस लगाया गया था। प्रदेश के 175 जो हाइडल प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाएं हैं और उसको कहा गया था कि आपको वाटर सेस जमा करना होगा, इसके लिए बकायदा वाटर कमीशन भी राज्य सरकार की तरफ से गठित किया गया है और वो हर महीने प्रोजेक्ट्स को बिल भेजता है। ये केस हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट में भी अभी पेंडिंग है, लेकिन इस बीच केंद्र का जो पत्र आया है उसने कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर अब अड़चन जो है कहीं ना कहीं डाल दिया, अड़का डाल दिया है और इसमें ये जिक्र किया गया है कि आप जो है जो वाटर सेस ले रहे हैं इस तरह का जो भी शुल्क ले रहे हैं उसको तुरंत बंद करें और इस सेस को ना लिया जाए क्योंकि ये असंवैधानिक है। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य इस तरह का कोई वाटर सेस या कोई भी शुल्क ले सकता है, क्योंकि देखा गया है कि कई जगह इस तरह से जहाँ से जल बिजली पैदा होती है या वायु से, न्यूक्लियर से, सोलर से जो एनर्जी पैदा होती है उस पर अगर किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है तो वो ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश को इस बार उम्मीद थी कि 2000 करोड़ रुपए सालाना आय जो है राज्य की होगी और हिमाचल के जो रिसोर्सेज कम है उस रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में राज्य सरकार ने ये कदम बढ़ाया था। कुछ एक प्रोजेक्ट इसका विरोध भी कर रहे हैं और उसमें कुछ सरकारी क्षेत्र के भी है जो केंद्र के अधीन है, NHPC की बात करें, इसके साथ साथ SJVN भी उसमें यहाँ पर आता है, थर्मल प्रोजेक्ट इस तरह के आते हैं जो केंद्र के अधीन है और जिस तरह से पंजाब ने भी इसका सीधे तौर पर विरोध जताया था क्योंकि उनका भी एक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में इस तरह का है और उसमें शानन प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने विरोध जताया था कि हम कोई इस प्रकार का वाटर सेस नहीं देंगे। हरियाणा ने भी विधानसभा में ही पारित करके, संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा था और हिमाचल पर रोक लगाने की मांग की थी क्योंकि जो हरियाणा है वो बिजली हिमाचल से लेता है तो वहां के लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा अगर वाटर सेस लिया जाता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं राज्य के लिए जरूर चिंताजनक बात होगी। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो ये पत्र आया है उसका जवाब क्या दिया जाता है, क्या उसमें कहा जाता है, क्योंकि अकेला। अच्छा देखिए, कहा ये जा रहा था प्रदीप की सरकार का तो ये इरादा है कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हिमाचल घाटे में जा रहा है, बार बार लोन लेना पड़ रहा है, वाटर सेस अगर लगता है तो 2000 करोड़ कमा सकते हैं, राज्य को बड़ा फायदा होगा, उन उम्मीदों पर तो पानी फिर ही गया है। ऐसे में कांग्रेस का क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल ने पहले भी कहा था कि जो प्रदेश की जो संपत्ति है, पानी है, पेड़ है, बाकी चीजें हैं, उस पर राज्य का हक बनता है और जो स्टेट इशू है हम अपना टैक्स यहाँ पर, सेस यहाँ पर लगा सकते हैं। ये पहले भी जवाब दिया गया है, तो पहले भी इस तरह का पत्र जो है केंद्र ने पहले भी लिखा था और इसके साथ साथ जिन राज्यों ने विरोध भी जताया था, हरियाणा पंजाब ने भी विरोध जताया था, उनको भी हिमाचल ने यही जवाब दिया। तो संभवतः इस बार भी सरकार यही कहेगी कि पानी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और हिमाचल में बिजली पैदा हो रही है तो हिमाचल प्रदेश को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए या फिर जो रॉयल्टी का एक इशू चल रहा है वो हिमाचल को मिलनी चाहिए, ये विषय हिमाचल प्रदेश केंद्र के समक्ष रख सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पत्र में जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप
किसी भी चीज को कोई चीज उत्पादन हो रहा है तो उस पर राज्य का कर नहीं लग सकता है, कोई विकास शुल्क या किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लग सकता है। हालांकि जब बिजली पैदा हो जाती है, जब आप उसको बेचते हैं, उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं, ये यहाँ पर उस पत्र में बकायदा लिखा गया है। लेकिन इसमें क्योंकि अकेला हिमाचल राज्य ही नहीं है बल्कि पत्र और राज्यों को भी लिखा गया है, और उसमें उत्तराखंड ने भी वाटर टैक्स लगाया है, कई और राज्यों ने भी सारा के शुल्क लगाया है। तो देखना ये होगा कि उन राज्यों ने क्या अपना स्टैंड रखना है। हालांकि हिमाचल पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है, ये हमारा स्टेट इशू है और हमने इस पर अपने पानी पर हमने टैक्स लगाया है, प्रदेश का पानी है, उससे जो बिजली पैदा होती है उस पर हम टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन जो इस पत्र में लिखा गया है कि जब बिजली तैयार होगी और जब वो आप उसे दूसरे राज्यों को बेचेंगे तो वहां पर उसकी महंगी हो जाएगी और किसी पर बोझ जो है कोई राज्य नहीं जा सकता है, तो ये इस पत्र में लिखा गया है। लेकिन क्योंकि एक सर्कुलर है और ऐसा उसका जवाब भी राज्य को देना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में वाटर सेस के मुद्दे पर रूठ ठन गई है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो वोटर सेस का मुद्दा और कांग्रेस सरकार का जवाब क्या होगा, सभी की नजरें इसी पर टिकी है। अब खबर है मोहाली पुलिस से जुड़ी हुई। दरअसल एक बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है, चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चार आतंकियों का पर्दाफाश, रोपड़ के आईजी गुरप्रीत भुल्लर ने इसको लेकर जानकारी दी। आतंकियों से 6 पिस्टल, 275 जिंदा कारतूस बरामद। आतंकी हरविंदर रिंदा से बताए जा रहे हैं इन आतंकियों के सीधे संबंध। अब देखना ये होगा जिस तरह से आतंकियों की हुई की गिरफ्तारी, इनसे पूछताछ में क्या खुलासा होता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए मोहाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल बब्बर खालसा से ये जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जिस तरह से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे केस में फिलहाल सामने आई हैं? बिल्कुल आते आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो मोहाली पुलिस की या पंजाब पुलिस के हम लोग कहें कि इसे माना जा सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से गैंगस्टर के ऊपर नकेल डालने का काम जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, जिसके चलते कई जगह पर छापेमारी भी की गई और अलग अलग तरह के ऑपरेशन भी चलाए गए थे। पर अब जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि आतंकी हरविंदर रिंदा जो है उसके साथ के जो साथी जुड़े हुए थे, यानी कि इसका जो ग्रुप था बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े हुए ये लोग हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। चार आतंकी गिरफ्तार किए गए बताए जा रहे हैं, और इनमें से आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद तीन को और गिरफ्तार किया गया है। अब ये टोटल बात की जाए तो अभी चार हो गए हैं, और ये सभी बम्बीहा गैंग से, माफ कीजिएगा, बब्बर खालसा गैंग से ताल्लुक रखते हैं, और इनके पास से 6 पिस्टल मिली हैं, साथ ही साथ 275 जो है वो राउंड भी मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि इनसे जो हथियार मिले थे वो सभी के सभी विदेशी हैं, और सबसे बड़ी चीज जो इसमें देखने वाली ये है कि जो खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है उस खुलासे में बताया गया है कि पंजाब का एक बड़ा नेता और एक बड़ा कारोबारी उनके निशाने पर था, और उसके चलते हुए ये सारी जो गिरफ्तारियां हैं की गई हैं। और इसमें देखने को मिला है कि ये सभी के सभी जो थे पंजाब को दहलाने के मूड में थे, इनकी कोशिश की जा रही थी, और डीजीपी ने भी ये ट्वीट करके बताया है कि इनकी तरफ से जो है सिर्फ इंतजार हो रहा था एक इशारे का, कि एक इशारा किया जाए और पंजाब में किस तरह से दहशत फैलानी है उसको लेकर के पूरी तैयारी इनकी तरफ से की गई थी। जिस तरह से देखा गया कि सरहदी इलाके पंजाब के साथ लगते हैं, तो आसपास के इलाकों से खासतौर पर पाकिस्तान का नाम आता है कि ड्रोन से हथियार आते हैं, ड्रोन से ड्रग्स आता है, तो ऐसे में यह मामला काफी गंभीर हो सकता था कि जिस तरह से यहाँ पर विदेशी हथियार मिले हैं और साथ के साथ चार जो नए अब आतंकी हैं उनको गिरफ्तार किया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं, नशा की तस्करी की जाती है, अब विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं, ऐसे में कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ और खुलासे भी पूरी पूछताछ में आतंकियों से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जो पूछताछ होनी है उसमें और भी ज़्यादा कई खुलासे सामने आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इंतज़ार कर रहे थे ये सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि इनको इशारा मिले और पंजाब में एक नेता को ये मार गिराए, साथ ही साथ एक बड़े कारोबारी के ऊपर जो है निशाना इनका था। और ऐसे में अभी देखा गया कि पिछले दिनों काफ़ी कॉल्स जो थी वो गैंगस्टर्स की आ रही थी, और उसके ऊपर भी वो कारोबारियों को निशाना बना रहे थे, कभी कितने करोड़ की जो मनी है वो मांग रहे थे, कभी कुछ मांग रहे थे। तो ऐसे में पंजाब पुलिस के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ गया था कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो पंजाब
आपके लोगों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को और नेताओं को परेशान कर रहे हैं और पंजाब में जो है दहशत का माहौल बनाने के लिए बैठे थे। तो ऐसे में कई और अहम खुलासे जो है इसमें हो सकते थे, पर आप ये भी देखिए कि विदेशी हथियार जो थे उनकी पहुंच की गई पंजाब में और ऐसे हथियारों से जो है वो आगे अंजाम देना था वारदात को। अगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल की बात की जाए तो आपको याद होगा कि उसमें भी विदेशी हथियार ही इस्तेमाल किए गए थे। तो ऐसे में कि ये भी बड़ी जो उपलब्धि है ये पंजाब सरकार की मानी जा सकती है या पंजाब पुलिस की मैं कहूँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर शिकंजा कसा। पंजाब सरकार भी इसमें पूरी इन्वॉल्व रही क्योंकि समय समय पर जो है उनकी तरफ से इशारे दिए जाते रहे थे दूसरी टीमों के साथ, चाहे NIA हो चाहे और भी जितनी भी यहाँ पे फोर्सेज हैं वो सभी मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती थी। तो अब उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी सामने आई है और पंजाब पुलिस में इसको सफलता मिली है। जी, पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी नेता और किसी व्यापारी का नाम सामने आ रहा है, क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रखी है, किस दल का ये नेता है, क्या कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आई हरसिमरत? फिलहाल आपको ये बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से इन दोनों के जो नाम हैं वो अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि जो भी था हमने यहीं पर सॉर्ट आउट कर लिया है, अभी किसी का नाम जो है वो सामने नहीं दिया है। ये उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी बताई है कि हमने ऐसे चार लोगों को, चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनका संबंध सीधे सीधे बब्बर खालसा से था, उस ग्रुप से था, और हरविंदर रिंदा जो कि इनका साथी कहा गया है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, जो कि विदेश भागने की फिराक में था। और ऐसे में इन सभी को जो है अब पुलिस ने फिलहाल रिमांड पर अपने पास रखा हुआ है और इनसे बड़े खुलासे होंगे कि और कौन कौन लोग और कौन कौन नेता या और कौन कौन ऐसे लोग जो पंजाब में प्रबुद्ध माने जाते हैं इनके निशाने पर थे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हरसिमरत आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, हरियाणा की बात करेंगे। सिरसा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सिरसा पहुंचने पर सीएम का यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल अपने सिरसा दौरे के दौरान राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचेंगे और सीएम यहाँ पर प्रस्तावित भूमि समेत कई स्थानों का दौरा करने वाले हैं। एक के बाद एक कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें की शिरकत सीएम मनोहर लाल अपने सिरसा दौरे के दौरान करेंगे। पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल सिरसा, भव्य स्वागत सीएम मनोहर लाल का सिरसा पहुंचने पर हुआ है। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कार्यक्रम में राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी शामिल है और इस सत्संग में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कुछ और उनके कार्यक्रम रहेंगे जिनमें हिस्सा लेने के लिए सीएम मनोहर लाल रवाना होंगे। सिरसा पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल और सिरसा पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया गया है। राधा स्वामी ब्यास सत्संग में हिस्सा लेने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। उसके बाद एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लगातार देखा ही जा रहा है सीएम मनोहर लाल आम जन के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की थी, लेकिन उसके बाद सांसद और मंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे और अब विधायक भी जनसंवाद कर रहे हैं। और 24 के चुनावों से पहले लगातार सरकार आम जनता के द्वार पहुंच रही है, आम जनता के बीच पहुंच रही है। इसी फेरिस्त में सीएम मनोहर लाल सिरसा पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कुछ आम लोगों से भी वो रूबरू अपने इस कार्यक्रम के दौरान हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या कुछ जानकारी है सीएम मनोहर लाल के सिरसा दौरे को लेकर, कौन कौन से उनके कार्यक्रम इस दौरे के दौरान रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल, जो मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है वो सिरसा के सिकंदरपुर गाँव में राधा स्वामी सत्संग ब्यास बना हुआ है, वहां पर एक सत्संग का कार्यक्रम है। हर साल ये कार्यक्रम होता है तो वहां पर मुख्यमंत्री फिलहाल जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि लगभग 3 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर आए हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके श्रद्धालु हैं। तो मुख्यमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम था वो यही है कि वहां पर सत्संग में शिरकत करना है। तो फिलहाल बीजेपी के नेता हों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हूँ, तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री को रिसीव किया और अब सिकंदरपुर गांव में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर सीएम पहुंच गए। और इसके अलावा संभावित कार्यक्रम है सीएम मनोहर लाल के कि उन्होंने किसानों से मुलाकात करनी है, अनाज मंडी का निरीक्षण करना, अनाज मंडी में जाना है, जहां पर मेडिकल कॉलेज बनना है उस भूमि का निरीक्षण करना है। इसके अलावा ऑटो मार्केट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां जा सकते हैं और जो थेहड़ विस्थापितों को जगह देनी है, जो सरकार ने जो ऐलान किया था कि थेहड़ पर रहने वाले लोगों को सरकार जगह मुहैया करवाएगी, तो उन लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। वो बात के कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल जो है सिकंदरपुर में एक बड़ा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल है और वहां पर लगभग 2 से 2.5 घंटे मुख्यमंत्री वहां पर रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी नकुल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सिरसा पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, सिरसा पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत हुआ है। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेंगे। राधा स्वामी ब्यास सत्संग है जो एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, इसमें सीएम मनोहर लाल सबसे पहले शिरकत करने वाले हैं।
और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।